भावरकोल जिले में गंगा यात्रा के स्वागत के लिए बलिया सीमा पर ग्राम पंचायत सेना की रसूलपुर में भव्य स्वागत द्वार बनाया गया था। ढोल मंजीरे एवं तांसे से जोरदार स्वागत किया गया। एसएम नेशनल इंटर कॉलेज मछटी के 92 बटालियन एनसीसी कैडेट्स के छात्र कमांडर शकील अहमद खां के नेतृत्व में दिया। गंगा यात्रा में कुल 3,508 सफाई कर्मियों को गंगा यात्रा के लिए बाइक पर गंगा संदेश की टोपी व जैकेट पहने झंडे एवं स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आगे चल रहे थे, जो यात्रा समापन तक लगातार चलेंगे। रास्ते में विभिन्न स्कूली बच्चों ने माँ गंगा के जयकारे देश धर्म का नाता है, गंगा हमारी माता है, नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा, अविरल गंगा निर्मल गंगा, हम सब ने ये ठाना है माँ गंगा को स्वच्छ बनाना है आदि नारे लगा रहे थे। भावरकोल गंगा यात्रा के दौरान जिले की सीमा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गॉर्डर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार एवं डॉक्टर अनिल पांडे पूरी टीम के साथ कैंप में मौजूद रहे। भावरकोल गंगा यात्रा का बलिया सीमा के पास जनपद की रसूलपुर में भारत सर्वागिर के बाद मनिया चट्टी भावरकोल कुंडेश्वर में भव्य स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने गंगा यात्रा में शामिल लोगों पर फूलों की वर्षा कर हर हर गंगा मोटर्स दायनी गंगा आदि के जोरदार नारे से पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्ति में हो गया। भावरकोल जिले की सीमा रसूलपुर में बने स्वागत मंच से माँ गंगा की महत्ता पर वक्ताओं ने विधिवत प्रकाश डालते हुए यात्रा में शामिल लोगों ने अपना संबोधन किया। भावरकोल गंगा यात्रा के स्वागत के लिए जिलाधिकारी ओम प्रकाश आथर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, सीडीओ श्री प्रकाश गुप्ता, डीपीआरओ अनिल सिंह, डीएफओ गिरीश चंद त्रिपाठी, एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता, सीओ विनय गौतम, तहसीलदार सीडीपीओ प्रशांत सिंह सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। गाजीपुर से परमेश्वर राय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। किनारे का जनजीवन आज व्यवस्थित हो, हरियाली हो और एक सुसंस्कृत समाज पूरे उत्तर प्रदेश में बने, गंगा के किनारे सारे राज्यों में बने, इसलिए यात्रा शुरू की गई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।